हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी गुरु यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। हमें इनफाइनाइट और इनफाइनाइट बताने हैं। जिस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं उन्हें इनफाइनाइट सेट्स कहा जाता है, जिसमें फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं उन्हें फाइनाइट। तो चलिए फिर से एक बार इसी चीज़ को देखते हैं। फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आसानी के लिए किनारे में हम एक ग्राफ बना लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब आप कितनी लाइन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसी में कुचेड़ते कुचेड़ते रहिए, आएगा तो इनफाइनाइट, क्योंकि ये भी तो इनफाइनाइट है। जब ये इनफाइनाइट है तो लाइंस भी इनफाइनाइट होंगी, तो ये इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये भी इनफाइनाइट, ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है। सेट ए नाम दे देते हैं, ए से शुरू भी हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के वाई एंड जेड। अब आपको ए बी सी डी आती है, लिखने का मन हुआ तो लिख लीजिएगा, नहीं तो ये फाइनाइट सेट्स में ही आता है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सी सेट नाम दे देते हैं। मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, 5 हो सकता, 10, 15, 20, 25, 30, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे 5 प्लस करते जाइए या एक एक बढ़ा के इंटू करते जाइए, कभी ख़त्म नहीं होने वाला, इनफाइनाइट सेट आने ही वाला है। द सेट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ये तो फाइनाइट है। अब कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी सबको मिला लीजिए, आएगी तो कुछ वैल्यू ही ना, कि नई नई प्रजाति पैदा होने लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0.0। फिर से एक ग्राफ बना लिया जाए, ये होता है हमारा ओरिजिन 0.0। यहाँ से कितने सर्कल पास हो रहे हैं, एक में ये सर्कल बना दिया, एक ये बना दिया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, भाई इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे, इनफाइनाइट। मजाक समझो क्या सर्कल को। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। इसमें एलिमेंट हम लोग मिला लेंगे, बाकी हम लोग को पता चल जाएगा कौन सा इनफाइनाइट, कौन सा ए इज इक्वल्स टू बी है या नहीं है। इसका ए देखिए, इसमें ए है, हाँ इसमें ए है, इसका बी देखिए, इसमें बी है, इसमें भी बी है, सी सी डी डी, सारे एलिमेंट है तो दिक्कत क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी कर दो, आ जाएगा, बस एलिमेंट मिलने चाहिए बस। सेकंड, ए इज इक्वल्स टू 4, 8, 12, 16, मिलाते जाते हैं एलिमेंट, 4, 4, 8, 8, 12, 12 तो नहीं है भाई, तो ये ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, एक एलिमेंट भी छूटना नहीं चाहिए। इस बार थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा घुमावदार है, अच्छा नहीं कह सकते। ए इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10 सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हों, कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड खुद 10 है, इक्वल टू भी तो लिखा है भाई। और इसको देख लीजिए, आप सेट मिला लीजिए, 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8, 10 है, 10 है, और ए इज इक्वल्स टू बी भी है। सिक्स्थ देखते हैं,
ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। एक्स जो है मल्टीपल ऑफ 10 है, क्या क्या हो सकते हैं बना लेते हैं, बनेगा तो इनफाइनाइट सेट ही, इसे ए ही सेट नाम दे रहे हैं इसकी वजह से। 10, 20, 30, 40, 50 डैश 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 सो ऑन इनफाइनाइट। मिलाते हैं इनमें 10, 10, 15 नहीं है, क्या पता आ गया आ जाए, 20, 20, 30, 30, 25 भी नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं बराबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं ये एलिमेंट आ जाएगा डिक्रीज होके, तो ना भाई ना, ये तो इक्वल सेट नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपको ये थोड़ी सी भी नॉलेजेबल वीडियो लगी हो। थैंक यू।